हेलो गाइस, सो आज हम बात करने वाले हैं प्रोमीथियस मूवी के बारे में। मूवी की स्टार्टिंग में हमें अर्थ दिखाया जाता है जहां पे कोई भी इंसान नहीं होता है, ना कोई जीव जंतु होता है। वहीं हमें एक वाटरफॉल दिखाया जाता है जिसके पास एक एलियन खड़ा होता है। वो एलियन एक ब्लैक कलर का लिक्विड पीता है जिसके बाद उसकी पूरी बॉडी डिस्ट्रॉय होने लगती है। उसके बाद उसकी बॉडी उस पानी में डिसॉल्व हो जाती है। यहाँ पे उसके डीएनए से ही इंसानों का जीवन शुरू हुआ। उसके बाद साल 2089 दिखाया जाता है जहाँ पे आर्कियोलॉजी के कुछ लोगों को दिखाया जाता है। एलिजाबेथ सॉ और चार्ली, ये दोनों एक कपल है। इन लोगों को एक गुफा में बहुत ही पुरानी पेंटिंग मिलती है। उस पेंटिंग में एक इंसान किसी और इशारा कर रहा था और वहाँ पे 5 डॉट्स थे। इसके बाद हमें स्पेस की सीन दिखाई जाती है जहाँ पे हम प्रोमीथियस नाम के एक स्पेस क्राफ्ट को देखते हैं। इसमें हम डेविड नाम के एक आदमी को देखते हैं। ये कोई इंसान नहीं है बल्कि एक मशीन है। वहीं पे हम इन सब के लीडर को भी देखते हैं। वो कहती हैं कि उन सभी लोगों को जो उस आर्कियोलॉजी सर्वे में थे, उन लोगों को स्लीपिंग चैम्बर से उठाओ। डेविड एलिजाबेथ के पास जाता है, उसको उस चैम्बर से उठा देता है। साथ में वो सब लोग जाग जाते हैं। इसके बाद इन लोगों को एक मीटिंग के लिए बुलाया जाता है। उसके बाद हम पीटर वेलेंट को देखते हैं जिसने इस मिशन के लिए पैसे लगाए हैं। वो सौ और चार्ली को इन सबका इंचार्ज बनाता है। वो दोनों इन सब लोगों को बताते हैं जितनी भी जगह से उन लोगों ने हजारों साल पुरानी पेंटिंग्स की खोज की है, उन सब में एक चीज कॉमन थी। वो 5 डॉट्स असल में एक तारों का झुंड है जो कि दूसरे सोलर सिस्टम में है, लेकिन उस समय के लोग इन सब चीजों के बारे में नहीं जानते थे। फिर उन लोगों ने ऐसा इशारा क्यों किया? जब इन लोगों ने उन तारों के झुंड की खोज की, ये एक दूसरे सोलर सिस्टम में है। वहाँ पे एक ऐसा प्लेनेट है जिसका एक मून है जो कि हमारी पृथ्वी की तरह ही है। इन लोगों को ऐसा लगता है कि वहाँ भी लोग होंगे या वहाँ पे भी एलियंस होंगे, और आज ही सुबह ये लोग उस प्लेनेट पहुँच चुके हैं। इसके बाद ये लोग उस प्लेनेट पे लैंड करते हैं। वहाँ पे ये लोग एक बहुत ही बड़ा सा ढांचा देखते हैं। ये लोग डिसाइड करते हैं कि ये लोग वहाँ पे जाएंगे और ये लोग उस मशीन डेविड को भी लेके वहाँ जाते हैं। ये अपनी रोवर से वहाँ पहुँचते हैं। जब ये लोग उस गुफा के अंदर जाते हैं तो वो बहुत ही बड़ी होती है, इसलिए ये लोग एक स्कैनिंग डिवाइस उसमें छोड़ देते हैं जिसकी मदद से वो उस पूरे ढांचे को स्कैन कर लेता है। जब ये लोग उसके अंदर आ जाते हैं तब इनको समझ में आता है कि वहाँ की जो ऑक्सीजन है वो बहुत ही ज्यादा शुद्ध है, मतलब हमारी पृथ्वी से भी ज्यादा प्योर यहाँ ऑक्सीजन थी। इसलिए ये लोग अपना हेलमेट उतार देते हैं और वहाँ पे बहुत ही आसानी से सांस ले पाते हैं। वहीं पे इन लोगों को एक होलीग्राम विजुअल देखने को मिलता है जहाँ पे वो एलियंस भाग रहे होते हैं। इन एलियन को इस मूवी में इंजीनियर कहा गया है। वो लोग एक गेट की ओर भागते हैं। वो गेट अचानक से बंद हो जाता है जिसमें एक इंजीनियर की वहीं पे मौत हो जाती है। जब ये लोग उस गेट के पास जाते हैं तो वहाँ पे एक डेड बॉडी पड़ी होती है। उसका सर नहीं होता है, उसका सर उस गेट के उस साइड होता है। डेविड उस गेट को खोल देता है। वो लोग उस सर को देखते हैं। जब ये लोग उसके अंदर जाते हैं तो एक बहुत ही बड़ा फेस बना होता है और वो इंसान की तरह दिखता है। वहीं पे उन लोगों को बहुत सारे कैप्सूल्स भी देखने को मिलते हैं। इन लोगों की जो टीम होती है उनमें से 2 आदमी इन सब चीजों से घबरा जाते हैं और वो डिसाइड करते हैं कि वो यहाँ से बाहर चले जाएंगे। जैसे वो लोग यहाँ से निकलते हैं, उन लोगों को बाहर जाने का रास्ता भूल जाते हैं और वो लोग वहीं पे खो जाते हैं। ये लोग इन कैप्सूल्स में देखते हैं ब्लैक लिक्विड होता है जो बाहर आ रहा होता है। डेविड चुपके से एक कैप्सूल को अपने पास रख लेता है। यहाँ के एनवायरमेंट में चेंजमेंट आता है, ये लोग डर जाते हैं। सौ उस हेड को अपने बैग में रखती है और वो लोग वहाँ से तुरंत बाहर निकलते हैं। तभी वहाँ पे एक बहुत ही तेज तूफान आ जाता है, लेकिन किसी तरीके से ये लोग उस स्पेसशिप में चले जाते हैं। अभी भी इनके जो 2 साथी थे वो फंसे हुए थे। यहाँ पे ये लोग इस सर की जांच करते हैं। ये लोग उसके सर में एक मशीन डालते हैं जिसकी वजह से उसके ब्रेन में कुछ ऐसा चेंजमेंट आता है और वहाँ पे वो सर फट जाता है। सो इसके डीएनए को इंसान के डीएनए से मैच कराती है, वहाँ पे वो डीएनए मैच हो जाता है। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये लोग इंसान के ही पूर्वज थे। वो दोनों आदमी जो उस ढांचे में फंसे हुए थे, वो लोग उस कमरे में पहुंच जाते हैं जहाँ पे वो कैप्सूल्स रखे थे। उन कैप्सूल्स में से ब्लैक लिक्विड बाहर आने लगता है और वहीं पे एक छोटा सा एलियन भी देखने को मिलता है। वो इन दोनों पे अटैक करता है और इन दोनों को मार देता है। यहाँ पे डेविड उस कैप्सूल को खोलता है और उसमें से वो ब्लैक लिक्विड को अपनी उंगली पे ले लेता है। इसके बाद वो चार्ली के पास जाता है। चार्ली डेविड से एक ड्रिंक मांगता है। डेविड उस ड्रिंक में उस लिक्विड को मिला देता है, चार्ली को दे देता है। चार्ली उसे पी लेता है। चार्ली और सौ
रात को एक दूसरे के साथ फिजिकली होते हैं। इसके बाद जब सुबह होती है तब चार्ली की तबीयत बहुत ज्यादा खराब होती है, उसकी आंखें लाल होने लगती हैं। यहाँ पे ये लोग वापस अपने दोस्तों को जो वहाँ बचे थे उनको लेने के लिए जाते हैं। जब ये लोग वहाँ पहुँचते हैं तो देखते हैं कि उन दोनों की तो डेथ हो चुकी है। तब इन लोगों को बहुत ही ज्यादा डर लगता है। यहाँ पे चार्ली की तबीयत बहुत खराब हो जाती है, इसलिए ये लोग चार्ली को लेके तुरंत स्पेसशिप में जाते हैं। वहाँ पे डेविड एक ऐसे कमरे में जाता है जहाँ पे उस पूरे ढांचे का मेन रूम होता है। वहीं पे उसको वो विजुअल्स फिर से आते हैं जहाँ पे वो इंजीनियर आता है, वहाँ एक चेयर होती है उस पे बैठता है और वो अपने पूरे सेटअप को चालू करता है। वहीं पे डेविड पूरी ब्रह्मांड को देखता है जहाँ पे उसको ये पता चलता है कि इन लोगों का अगला जो टारगेट है वो पृथ्वी है। इसके बाद ये सारे लोग स्पेसशिप में वापस जाते हैं, लेकिन लीडर वहाँ पे चार्ली को अंदर आने से मना करती है क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि अगर हम चार्ली को अंदर लेंगे तो हम सब भी इन्फेक्टेड हो जाएंगे। यहाँ चार्ली समझ जाता है कि वो खुद शायद इन लोगों के लिए हानिकारक है, इसलिए वो लीडर से कहता है कि वो उसे मार दे और यहाँ पे लीडर उसे जला देती है। इन सबको किसी तरीके का इन्फेक्शन ना हो इसलिए सबका चेकअप होता है। वहाँ पे डेविड 100 का चेकअप करता है, तब उसको पता चलता है कि 100 जो है वो प्रेग्नेंट है और वो भी 3 महीने की। लेकिन 100 उससे कहती है कि सिर्फ 10 घंटे पहले ही वो चार्ली के साथ फिजिकली हुई थी। तब यहाँ हमें समझ में आता है कि जो 100 के पेट में बच्चा है वो एक एलियन है और वो बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है। 100 डेविड से कहती है इस एलियन को बाहर निकालो, लेकिन डेविड उसे बेहोश कर देता है। 100 जब होश में आती है तब वो ऑटोमेटिक ऑपरेशन रूम में जाती है जहाँ पे वो अपने पेट के ऑपरेशन के लिए वहाँ सेटअप करती है। इसके बाद वो उस मशीन में लेट जाती है। यहाँ पे वो मशीन उसका लेजर से ऑपरेशन करता है और उस एलियन को बाहर निकाल देता है। वो एलियन बहुत ज्यादा खतरनाक होता है और वो बहुत तेजी से बढ़ रहा होता है। यहाँ पे 100 किसी तरीके से उसे उस मशीन में बंद कर देती है और वहाँ से निकल जाती है। इसके बाद 100 एक रूम में जाती है जहाँ पे वो पीटर वेलेंट को देखती है। इन सबको ये लग रहा था कि ये मर चुके हैं, लेकिन ऐसा नहीं था। यहाँ पे पीटर बताता है बहुत ही बुरी बीमारी है और उसे ऐसा लगता है कि ये एलियन उन बीमारी को सही कर सकते हैं, इसीलिए उसने इस मिशन की शुरुआत की थी। अब ये लोग वो सूट पहन के वहाँ जाने के लिए तैयार होते हैं। स्पेसशिप के बाहर से कुछ आवाजें आती। जब ये लोग बाहर जाके देखते हैं तो वहाँ पे जो चार्ली था अब वो एलियन बन गया था और वो इन लोगों पे अटैक करता है। वो इन लोगों में से 2 लोगों को मार देता है, लेकिन वो लोग मिलके चार्ली को पूरी तरीके से खत्म कर देते हैं। अब यहाँ पे पीटर, डेविड और वो सारे लोग उस ढांचे के लिए निकलते हैं। वहीं हमें ये भी पता चलता है जो लीडर थी वही पीटर वेलेंड की असली बेटी है। ये लोग उस ढांचे में जाते हैं। वहाँ पे डेविड इन लोगों को उसी रूम में लेके जाता है। उसके बाद वो इंजीनियर को उस स्लीपिंग चैम्बर से बाहर निकालता है। वहाँ पे वो एलियन इन लोगों को देखता है। डेविड उन एलियंस की ही भाषा में उससे बात करता है, लेकिन वहाँ पे वो डेविड पे अटैक करता है और उसका सर उसके बॉडी से निकाल के फेंक देता है। डेविड एक मशीन होता है इसलिए वो मरता नहीं है। इसके बाद वो पीटर पे अटैक करता है और पीटर की वहाँ पे मौत हो जाती है। 100 यहाँ से किसी तरीके से भाग जाती है। वहाँ हमें समझ में आता है ये जो ढांचा है वो एक्चुअल में एक UFO है जिसकी मदद से एलियन एक प्लेनेट से दूसरे प्लेनेट पे जाते हैं। यहाँ पे वो अपने UFO को स्टार्ट करता है ताकि वो पृथ्वी पे जा सके। वहाँ पे स्पेसशिप में लीडर पायलट से कहती है कि हम लोगों को यहाँ से भागना होगा, हम लोगों को वापस पृथ्वी की ओर जाना पड़ेगा। 100 बाहर आती है और वो पायलट से कहती है कि ये जो एलियंस हैं वो हमारी पृथ्वी की ओर ही जा रहे हैं, वो हमसे पहले वहाँ पहुँच जाएंगे और पूरी पृथ्वी को खत्म कर देंगे, तो हम लोगों के पास कोई घर नहीं होगा जहाँ पे हम वापस जा सके, तो हम लोगों को किसी तरीके से इस UFO को रोकना होगा। तब पायलट डिसाइड करता है कि वो इस UFO को यहाँ से उड़ने नहीं देगा। इसके बाद जो लीडर है वो एक सेफ्टी चैम्बर में बैठ जाती है और उस स्पेसशिप से बाहर चली जाती है। यहाँ पे वो पायलट और उसके साथी उस UFO से अपना स्पेसशिप क्रैश कर देते हैं, जिसकी वजह से वो UFO जमीन पे गिर जाता है, वो लीडर के ऊपर आके गिर जाता है जिससे लीडर की मौत हो जाती है। यहाँ पे सिर्फ अकेले 100 बचती है। 100 अपने स्पेसशिप के कैबिन में जाती है जहाँ पे उसके पेट से निकाला हुआ एलियन बहुत बड़ा हो चुका था। तभी वहाँ पे इंजीनियर आता है और उस पे अटैक कर देता है, लेकिन 100 उस रूम के दरवाजे को खोल देती है और वो जो एलियन होता है वो इंजीनियर को पकड़ लेता है। 100 वहां से भाग जाती है। इंजीनियर उस एलियन में लड़ाई होने लगती है, लेकिन यहाँ पे वो एलियन इंजीनियर को मार देता है। लेकिन डेविड अभी जिंदा था। वो 100 से बात करता है और वो कहता है कि मैं तुमको यहाँ से बाहर निकाल सकता हूँ। 100 कहती है कि हम यहाँ से बाहर कैसे जाएंगे। डेविड कहता है कि यहाँ पे ऐसे और भी UFO हैं। इसके बाद 100 डेविड के पास जाती है, लेकिन वो उससे कहती है कि मुझे वापस पृथ्वी नहीं जाना है बल्कि वहाँ जाना है जहाँ से ये एलियंस आ रहे हैं। यहाँ पे डेविड तैयार हो जाता है। इसके बाद वो डेविड के सर को एक बैग में रखती है और उसकी बॉडी को भी बाहर फेंकती है और वो वहाँ से उसको लेके निकल जाती है। ये लोग एक
यूएफओ में बैठ के उस प्लेनेट से बाहर चले जाते हैं और यहीं पे ये मूवी खत्म हो जाती है।